आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं FTR न्यूज़ चैनल। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कीजिए। संगारेड्डी में शेख अमजद सदर अखिलती सेल TRS पार्टी ने दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखला ने शिरकत की और फारूक हुसैन MLC, चिंता प्रभाकर साबिक़ रुकन असम्बली संगारेड्डी वो TRS पार्टी सदर ज़िला श्रीनिवास, चेयरमैन ITC विजय लक्ष्मी, चेयरमैन बल्दिया लवेनिया प्रभु गौड़, MA बासित की शेख साबिर ने गुलपोशी की। इस मौके पर शेख रशीद विजेंद्र रेड्डी, वेंकटेश्वर लू, मसूद हबीब रसूल, वाजिद और दीगर मौजूद थे। रशीद भाई भैया इमरान ना आगो ना हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी और हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट हमजद साहब ने आज दावत का एहतमाम किया है। हमारे फारूक हुसैन साहब जो हमारे MLC साहब हैं और बहुत से हमारे साथी के चेयरमैन और बहुत सीनियर लीडर्स और यहाँ के खासतौर से म्यूनसिपल चेयरमैन और बहुत से हजरात शरीक रहे। ये इफ्तार पार्टी है गंगा जमुना तहजीब। इफ्तार कराना बहुत बड़ा सवाब है और इफ्तार का एहतमाम करने वाला वो सवाब का हकदार होता है। हमारा तेलंगाना स्टेट हिंदुस्तान में नंबर वन स्टेट है, इसलिए कि हमारे चीफ मिनिस्टर जो सारे लोगों में बड़े हरदिल अजीज़ हैं, सारी कौम का ख्याल करते हैं और हमारी हुकूमत की तरफ से भी हज़ारों मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम किया गया, लाखों लोगों को कपड़े तकसीम किए गए। क्योंकि गरीब लोग जब एक महीना रोज़ा रहते हैं तो ईद के दिन नए कपड़े पहनते हैं, हमारे CM साहब की तरफ से कपड़े बनाए जाते हैं, इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इसके लिए हम CM साहब का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। उसकी वजह से हमारी स्टेट में अमन है, आज हिंदुस्तान में कहीं अमन है ये तेलंगाना स्टेट में, और तरक्की है तो तेलंगाना स्टेट में है। और CM साहब जिस तरह सारे कौमों की मदद कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं आदमी है जो बगैर उनकी मदद के महरूम है। CM साहब ने ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए हैं। आप जानते हैं आज 1,14,000 मुस्लिम बच्चे पूरे का पूरा 100% खर्चा हमारे CM साहब बर्दाश्त करते हैं और रेजिडेंशियल स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। उसी तरह इमाम और मौज़ून हज़रात को कभी भी कोई किस्म का हदिया नहीं दिया गया था। वो देने वाले कोई लीडर है हिंदुस्तान में तो KCR साहब। वो चाहते हैं कि तमाम लोग अच्छे रहें, खुशहाल रहें। शादी मुबारक स्कीम इतनी अच्छी स्कीम है, आज तेलंगाना के अंदर तमाम कौमों की शादियों में बराबर CM साहब ताउन करते हैं। पर चूँकि रमज़ान का महीना है, आज हम इफ्तार के लिए आओ। ख़ासतौर से माइनॉरिटी के अंदर 2,21,000 लड़कियों की शादी हुकूमत की तरफ से की गई, हर लड़की को 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी रकम है और बहुत अच्छी तरीके से लोग शादी का एहतमाम करें। ख़ासतौर से कई 100 शादी खाने बनाए गए ताकि शादी खानों का बिल ना हो, शादी खाने में सरकार की तरफ का शादी खाना हो तो लिमिटेड इनकम में हो सके। तो ये आज तेलंगाना की तरक्की, तेलंगाना का सेकुलरिज्म सारा हिंदुस्तान देख रहा है। आज हिंदुस्तान लोग कहते हैं कि इससे पहले साबिका में गुजरात का मॉडल बताते थे, बस गुजरात मॉडल हमारे से बहुत पीछे, तेलंगाना मॉडल हिंदुस्तान में नंबर वन मॉडल बन चुका है। हमारे CM साहब के लिए गिरा कर दुआ की गई
अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। केटी रामाराव के लिए दुआ की गई क्योंकि दोनों और हरीश राव साहब है, कविता साहब है, तमाम मिलकर हुकूमत के अंदर बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं। इसलिए आज हमजा इफ्तार में उनके लिए दुआ किए और मुझे बुलाने पर मैं हमजा साहब का, हमारे MLA XMLA साहब का, प्रभाकर साहब का और तमाम यहाँ के खास तौर से काउंसलर से चेयरमैन है सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया।